जय हिंद। मैं हूं नवेद खान, आप देख रहे हैं एमटीवी लाइव पर खास मुलाकात। बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका तहे दिल से खास मुलाकात में। आज की खास मुलाकात में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा जो वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की महामंत्री हैं, लेकिन उससे ज़्यादा वो एक सोशल वर्कर हैं। तो आज की मेरी मेहमान है बबीता गुप्ता जी, और बबीता गुप्ता जी से बहुत सारी बातें करूंगा किस तरह एक सोशल वर्कर से एक राजनीति तक का ये सफ़र। बहुत बहुत स्वागत है बबीता जी। पहला सवाल राजनीति का, ये सोशल वर्क तो अलग चीज़ हो गई, राजनीति में आना एक अलग बात है, तो ये किस तरह आना हुआ आपका? मेरे हिसाब से राजनीति भी सोशल वर्क ही है। पहली बात तो ये है कि अगर हम पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं तो हम अच्छी तरह सोशल वर्क कर सकते हैं, क्योंकि उससे एक पहचान बनती है। ठीक है। मैं अपना कोई क्लब खोल लूँ या कुछ, उसका सीमित दायरा होता है, लेकिन अगर आप पॉलिटिक्स में हैं तो आपकी पहचान शहर में, प्रदेश में, अगर आप ज़्यादा अच्छे स्तर पर कार्य कर रहे हैं तो। क्योंकि आजकल आईटी इतना ज़्यादा प्रचलित हो चुकी हैं, सब चीज़ें फेसबुक पे आप डालते हो, जैसे आपका चैनल है, ऑनलाइन है, कोई भी देख सकता है शहर में, देश में, विदेश में। तो मेरे हिसाब से उसके लिए आपको ये मिलता है कि एक्सपोज़र मिलता है अगर आप पॉलिटिक्स में हो। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से आप कितने साल से जुड़ी हैं? मैं तो वैसे बचपन से, जब से जनसंघ था तभी से जुड़ी हूँ, मोहनलाल कपूर जी के, जब काफ़ी पहले हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हमें ये भी नहीं पता था कि राजनीति होती क्या है, तब से हम लोग बस सुनते थे जैसे कि दिया दिया है उनका, जनसंघ का वो था, तो हम सब लोग आपस में बच्चे बच्चे मिलके मोहनलाल कपूर जीतेगा, वही अच्छा जीतेगा, इस अच्छा तरीके से बोलते जाते थे। तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कब से ज्वाइन किया, तो यही समझ लीजिए मेरी ज्वाइनिंग बचपन से ही है, लेकिन ऑफिशियल मैं कार्यकर्ता बनी हूँ 2004 में। 2004 से आपने जी मतलब एक हाँ, मैंने ऑफिशियली। सदस्यता ली है ठीक है, बीजेपी की फिर 2004 उसके बाद का सफर किस तरह रहा आपका? के बाद भी मैंने कभी कोई पद नहीं लिया, बस ये था कि काम करते थे। काम भी ऐसा नहीं कि हर मीटिंग में जा रहे हैं उसमें, ऐसा भी नहीं था, लेकिन जो भी काम हमें मिलता था वो हम करते थे। तो उसके बाद में काफ़ी टाइम हो गया, तो एक दिन मेरे को अप्रोच किया जो यहाँ शास्त्री नगर मंडल के अध्यक्ष थे, वो किसी को साथ लेके आए, हमारे एक बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड है, उनको लेके आए। लेकिन उन्होंने बोला था कि वैसे वो राजनीति ज्वाइन नहीं करेंगी, लेकिन मैं आपके साथ चल रहा हूँ, अगर कोई ऐसी पोस्ट हो जो उन्हें किसी के अंडर में काम ना करना पड़े, तो एक बार को वो हो सकता है कि राजी हो जाएं, वैसे मुझे लगता नहीं है। तो वो आए मेरे पास, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, मुझे कन्विंस किया कि अच्छे लोग जब तक नहीं आएंगे पॉलिटिक्स में, तब तक जो चल रहा है वही चलता रहेगा। तो मुझे भी लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए अब, क्योंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं, पहले बच्चे छोटे थे, बाउंडेशंस थी मेरे पास फैमिली की ज़्यादा, तो अब मैंने सोचा कि चलिए मैं कुछ करती हूँ। तो उन्होंने वैसे मुझे अप्रोच तो किया था शास्त्री नगर मंडल अध्यक्ष के लिए, लेकिन जब महिला मोर्चा की अध्यक्ष महानगर की मुझसे मिली तो उन्हें लगा कि ये मेरे मतलब की है, ये इसको एकदम एक्टिव हाँ एक्टिव भी है और इतना झंझट वाली भी नहीं है, कोई घर में ऐसे झंझट नहीं है, और आईटी वगैरह, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चला लेती है, तो उनको ये लगा कि ये मेरे काम की बंदी है। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट इतना बड़ा पद दिया जो लोगों को 10 साल में भी नहीं मिलता, बिल्कुल। उन्होंने मुझे महानगर महामंत्री जैसा बड़ा पद दिया। तो मुझे लगता है कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी होंगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, अपना 100% दिया है। चलिए बबीता जी, ये तो हुई आपके राजनीति सफर की बात। अब बात करेंगे जहाँ से आपकी शुरुआत थी, मतलब जिस जो एक फेस है बबीता गुप्ता का वो देखा जाता है, जो मेरठ के क्लब्स हैं बहुत सारे, वहाँ से जो आपकी पहचान है वो बबीता गुप्ता से बात करूँगा अब। तो वो किस तरह, वो सफ़र कब शुरू हुआ आपका? वैसे मैं, मेरी शादी हुई थी काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली में, तो उन लोगों को इतना ज़्यादा नहीं था कि बाहर बहुत ज़्यादा बहुएं जाएं या कुछ, तो मैं 15 साल तक अपने ससुराल में रही, उसके बाद मैं शास्त्री नगर आ गई। तो यहाँ पे भी मैंने स्टार्टिंग में, क्योंकि हम लोग का बिजनेस था मेरे हस्बैंड का, तो हम लोग को इतनी पहचान नहीं थी यहाँ पे, किसी को जानते नहीं थे, तो स्टार्टिंग में किटी पार्टीज डाली, तो किटी पार्टीज में जाते थे तो लोगों से मिलना होता था, फैमिलीज एक को सर्कल जानते थे, बनता था। सर्कल बनता था। धीरे धीरे फिर लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, उन्हें लगा कि ये कुछ कर सकती हैं कुछ। मैं न्यूज़पेपर वालों के संपर्क में आई, तो उन लोगों ने भी मुझे कहा कि आप आगे बढ़िए। समा है सुहाना सुहाना, नम जन्म का साथ है निभाने को सौ सौ
समझा मेरे दिल की कोई हसरत निकल गई। खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा मुसाफिर हूँ यारो। ऑफ कोर्स जो पुराने गीत संगीत में कशिश है वो आजकल के गीत संगीत में बिल्कुल नहीं है। मैं सुनाऊंगा आपको वही पुराने गीत ओरिजिनल अंदाज में। सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल सी समथिंग डिफरेंट सी समथिंग न्यू। जय हिंद, मैं हूँ नवेद खान। मैं हूँ सादिक खान। आप देख रहे हैं एमटीवी लाइव, हर खबर आप तक। बात चाहे राजनीति की हो, क्राइम की, या फिर आपके क्षेत्र के इवेंट्स की, मैं आपको सब दिखाऊंगा एमटीवी लाइव पर, हर खबर आप तक। बहुत जल्द आ रहा हूँ आपके मोबाइल स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर पर एमटीवी लाइव के साथ। कुछ मुझे शौक भी था। मेरे ख्याल से तकरीबन मेरठ का कोई ऐसा क्लब नहीं, मेरे जब जितना ध्यान मुझे है कि जिससे आप ना जुड़ी। तो करीबन कितने क्लब से जुड़ी हैं आप? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा क्लब से नहीं जुड़ी हुई हूँ। वो आए दिन न्यूज़पेपर में फ़ोटोज़ दिखते हैं तो इसलिए लोगों को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा क्लब से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैंने बहुत कम क्लब्स ज्वाइन किए हैं क्योंकि मुझे एक तो क्लब्स की बातें अधिकतर समझ में नहीं आती हैं। चलिए क्लब की बात अब हम करेंगे, तो चलिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। देखिए मेरठ के अंदर बहुत सारे महिलाओं के क्लब हैं, लेडीज़ क्लब हैं, मतलब कि मेरे ख्याल से हर एक गली के अंदर एक महिला क्लब मौजूद है। तो अब जहाँ इतनी सारी भीड़ है तो वहाँ पे मतलब इतने सारे क्लब्स हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए एक महिला क्लब के अंदर, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहूँगी और मेरा कोई हक भी नहीं बनता कि मैं किसी के बारे में कुछ गलत कहूँ। देखिए आप एक पॉलिटिशियन हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अधिकतर क्लब्स में प्रॉब्लम होती है चौधराहट की, कि मेरे क्लब में मान लीजिए 100 लेडीज़ हैं, उनमें से 40 असंतुष्ट रहेंगी हमेशा। रीज़न होता है कि मुझे आगे नहीं बढ़ाया गया, मेरा फ़ोटो क्यों नहीं अखबार में छपा, मेरा नाम क्यों नहीं, बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर 100 मेंबर हैं तो 100 लोगों का फ़ोटो अखबार में नहीं आ सकता, किसी भी तरह नहीं आ सकता। और मैं अगर किसी के विज्ञप्ति में नाम 100 लिख भी दूंगी तो अखबार वाले छापेंगे नहीं। अधिकतर तो कई बार ऐसा होता है कि जो विज्ञप्ति लिखता है उसका खुद का ही नाम नहीं छपता, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसने अपना नाम नहीं लिखा होगा, लेकिन ऐसा ही होता है। तो इस बारे में फिर क्या होता है, जो 40 असंतुष्ट हैं उनमें से कुछ थोड़ी बहादुर होती हैं, अच्छा। वो कहती है कि अरे चलो छोड़ो इसको, मैं अपना अलग क्लब बना रहा हूं। तो ऐसा ही होता है फिर इस तरीके से वो एक क्लब में से दूसरा दूसरे मतलब से। कुल मिला के जो ये भरमार जो क्लब्स की हुई है लेडीज क्लब्स की, वो इस वजह से हुई है कि अखबार में नाम नहीं आता है या चैनल पर शक्ल नहीं दिखती है आपके अनुसार। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए कि लेडीज़ क्लब जो हैं बहुत सारे हैं, तो उसमें उनका मकसद सिर्फ किटी पार्टी, डांस, म्यूज़िक या इसके अलावा भी? नहीं, अधिकतर ऐसे नहीं है क्लब। कुछ क्लब्स हैं ऐसे जिसमें सिर्फ किटी पार्टी या घूमना फिरना ही होता है, लेकिन जो मैक्सिमम क्लब्स हैं जैसा मुझे लगता है वो समाज सेवा भी करते हैं इक्वली। क्योंकि अगर आप केवल इसके लिए एंटरटेनमेंट के लिए कोई डाल रहे हो तो वो उसके लिए किटी पार्टी है, उसके लिए क्लब की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ वैसे भी आउटिंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप एंटरटेनमेंट नहीं करोगे केवल समाज सेवा करोगे तो भी लेडीज़ आपके साथ नहीं जुड़ेंगी। हाँ तो क्योंकि जैसे पहले आपने देखा होगा कि पहले टीवी नहीं था, कोई ऐसे वो नहीं था, तो उसके लिए त्यौहार होते थे कि त्यौहार पे कुछ अलग होना होता है तो उससे लाइफ ईजी हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम समाज सेवा नहीं करेंगे तो भी क्लब बेकार है, और अगर हम केवल समाज सेवा करेंगे तो लोग जुड़ेंगे नहीं, इसलिए दोनों चीज़ों का बैलेंस होना मेरे हिसाब से जरूरी बैलेंस होनी चाहिए। अच्छा चलिए अब एक बिल्कुल एक लाइन में आपको मेरी बात का जवाब देना है। देयर आर लॉट्स ऑफ क्लब्स इन द मेरिट बट व्हिच इज द जेन्युइन वन? नंबर वन पे मेरे हिसाब से भारत विकास परिषद है, क्योंकि उसमें एक तो पूरी फैमिली इंक्लूड होती है। मैं लेडीज़ क्लब, भारत विकास परिषद जो है वो तो एक संस्था है पूरी, है ना, तो मैं महिला बहुत सारे क्लब हैं उनमें जो सबसे अच्छा कार्य कर रहा है आपके अनुसार वो कौन सा क्लब है? इनरविल क्लब मेरे हिसाब से। जैसे मैं चाहूँ तो मैं भी बहुत सारे क्लब्स खोल सकती हूँ या अपनी एक इनरविल की भी अलग शाखा बना सकती हूँ कहीं भी कि जहाँ पे ना हो, लेकिन मैं काफ़ी समय से इनरविल क्लब शास्त्री नगर से जुड़ी हूँ। इससे पहले मैं नाम नहीं बताऊँगी, इनरविल क्लब की ही एक दूसरी शाखा से मैं जुड़ी थी,
लेकिन एक सेशन के बाद मैं वहाँ दोबारा ज्वाइन नहीं किया। वजह तो अच्छा ठीक है, आप न, व, मतलब बत, ये सिर्फ वजह बताइए क्यों नहीं गई। वही पॉलिटिक्स आपस में उन लोगों की, जो नए मेंबर्स थे उनको कोई बढ़ावा नहीं देता था, पुराने मेंबर्स पॉलिटिक्स करते थे। कोई भी कॉन्टेस्ट हुआ उसमें अगर मैं जीतना डिजर्व करती हूँ तो मुझे नहीं जीतने दिया जाएगा, जो पुराने मेंबर्स हैं वही आपस में घोलमाल करके वो सब कुछ, तो ये सब मुझे नहीं पसंद। अगर मैं हार जाती हूँ जेन्युइनली मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर मैं बेईमानी से हारती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख है और गुस्सा भी। नहीं नहीं अच्छा, अब इन सब के पीछे देखिए ना कि क्योंकि एक फैमिली भी आपकी और आप राजनीति में भी हैं, सोशल वर्क भी कर रही हैं, तो घर को समय कैसे दे पाती हैं, घर को कैसे मैनेज करती हैं? टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है कुछ, जैसे मान लीजिए मुझे सुबह, मैं इसके अलावा भी एक और काम करती हूँ जो शायद आपको जानकारी नहीं होगी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में मैं फाइनेंशियल कंसल्टेंट और एजेंसी एसोसिएट भी हूँ, तो वहाँ मुझे 10:30 बजे जाके बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लगानी होती है तो वो भी काम मैं करती हूँ, तो इसका मैनेजमेंट इसी हिसाब से करना पड़ता है। ये समय मैनेजमेंट किस तरह करती हैं आप? वही बता रही हूँ, जैसे मान लीजिए मुझे सुबह जल्दी जाना है तो रात को मैं जैसे फ्रिज में आटा करके रख दूंगी या कुछ सब्जी बना के रख दूंगी या सब्जी काट के रख दूंगी और पहले से सोच के रखूंगी कि ये मुझे सुबह ये काम करना है। तो नाश्ता बना दिया, खाने की तैयारी कर दी, डेली हमारे घर पे हवन होता है, हम लोग खुद करते हैं, उसमें 15 मिनट लगते हैं और बाकी सब काम, फ्रेश होना ये सब कुछ। मेरे घर में झाड़ू पोछे के अलावा कोई भी नौकर नहीं है किसी भी काम के लिए, मैं सब काम खुद ही करती हूँ। क्योंकि एक तो मान लीजिए मैं बर्तन वाली लगा लूँ लेकिन अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो वो आके क्या करेगी, या रात को जैसे हम लोगों के यहाँ मेरे ससुराल की प्रथा है कि रात को झूठे बर्तन हम लोग नहीं छोड़ते हैं सिंक में, तो रात को 11 बजे काम वाली नहीं आएगी बर्तन करने, और अगर वो मुझे खुद ही करना है तो फिर उसे लगाने का बेनिफिट नहीं है, तो मैं खुद ही करती हूँ। तो लेकिन मैं सोच के समझ के करती हूँ कि कौन सा काम कब करना है, और मेरे घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं इस मामले में, कभी किसी काम के लिए आगे पीछे खाने का टाइम या कुछ हो गया तो नो प्रॉब्लम। चलिए अब एक और सवाल, क्योंकि आप राजनीति से भी जुड़ी हैं, सोशल वर्कर हैं, मतलब आप फील्ड में रहती हैं, सोशल मीडिया और मीडिया में के बारे में आपका क्या कहना है? दोनों ही अपनी जगह पूरी ताकत रखते हैं। सोशल मीडिया हो गया वो मेरे हाथ की बंदूक है और मैं अपने कंधे पे ही रख के चलाऊंगी, मीडिया हो गया वो मैंने बहुत अच्छी किसी को रिपोर्ट भेज दी, सब कुछ भेज दिया, फ़ोटो भेज दिए, उनके हाथ में है वो छापेंगे या नहीं, या किसी कोने में छोटा सा छाप देंगे, फ़ोटो नहीं छापेंगे, वो उनके हाथ में है। मैं चाहूँ अपनी फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे 50 फ़ोटो डाल सकती हूँ, रात को डाल सकती हूँ, किसी भी समय डाल सकती हूँ। अभी मैंने आपको इंटरव्यू दिया, अभी फ़ोटो खिंचवा लिया, अभी डाल दिया कि मैंने इंटरव्यू दिया है। तो ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है मेरे हिसाब से। इसी की वजह से मैं कहना चाहूँगी कि फेसबुक ने मुझे जितनी प्रसिद्धि दिलाई है बीजेपी में आने के बाद, वो भी बहुत बड़ा कारण रहा है कि लोग मुझे पहचानते हैं। तो आप मीडिया और सोशल मीडिया में से किसको इम्पोर्टेंस ज़्यादा देती हैं या किसको सही ज़्यादा मानती हैं? नहीं, सही गलत दोनों जगह होते हैं। सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने फेक आईडीज़ बना रखी हैं या लोगों को तंग करते हैं या हैक कर लिया, कुछ भी हो गया, और मीडिया में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज अच्छी खासी किसी की न्यूज़ चल रही है उसको गलत तरीके से पैसे लेकर प्रेजेंट कर दिया या स्टॉप कर दिया। तो सभी जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, तो उसमें कोई नंबर मैं नहीं दे पाऊंगी इसके लिए। लेकिन ये आपका मानना है कि सोशल मीडिया भी एक पावरफुल? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल है आज की डेट में, सोशल मीडिया से ज़्यादा पावरफुल अब कुछ है ही नहीं। अब चलिए अब अंत में, क्योंकि आप एक मेरिट में आप एक ब्रांडेड नाम है, महिलाओं में एक जाना माना और एक अच्छा नाम है, तो मेरठ की महिलाओं को कुछ क्या संदेश देना चाहेंगे आप एमटीवी लाइव के जरिए? मैं मेरठ की ही नहीं, मैं पूरे देश की महिलाओं को ये संदेश देना चाहूँगी कि महिलाएं असल में कितनी भी पढ़ी लिखी होती हैं वो ये सोचती हैं अब शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब हमें कुछ नहीं करना, मेरा पति अच्छा कमा रहा है और मैं सिर्फ घर में रहूँगी और कुछ नहीं करूँगी। चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी टैलेंटेड हो, कितना भी कुछ भी कर सकती हो, अगर वो पैसे के लिए काम नहीं करना चाहती नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है उसके घर वाले ना अलाउ करते हों कि वो बाहर जाके पैसे के लिए काम करे, तो वो समाज सेवा में जुड़ सकती हैं। समाज सेवा में भी बहुत तरह की हैं, ज़रूरी नहीं है वो क्लब में जाएं, किटी में जाएं या राजनीति ज्वाइन करें, ये भी ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, हम उन्हें बताएंगे आपको कहाँ पर क्या काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि महिलाएँ जब तक सक्रिय हैं तभी तक उनकी अपनी पहचान है, और अपनी पहचान होना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है।
कोई अगर ये कहे कि भाई देखो ये ऋषि की मम्मी है तो वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगेगा, जो कि अगर कोई कहे भाई ये बबीता गुप्ता है वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन। थैंक यू सो मच बबीता गुप्ता जी। खास मुलाकात में आज बस इतना ही, कल मैं नवेद खान एमटीवी लाइव पर एक और खास मेहमान से आपकी मुलाकात कराऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, लेकिन किसी का दिल कभी मत तोड़ेगा। थैंक यू।